ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एसटी बस में बैठने पर 50% की छूट लागू की है। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र की एसटी बस में मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं को भी 50% छूट की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एसटी बस में बैठने पर 50% किराया राशि में छूट दी है। इसी को बुरहानपुर की एसटी बस ओके फ्रेंचाइजी ने भी मांग की है कि बुरहानपुर और गुजरात दोनों राज्यों की महिलाओं के लिए भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि भारत एक अखंड देश है, यहाँ के नियम कानून भी एक समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसटी बसों में भारत के किसी भी कोने की महिला यदि बैठती है तो उसे भी 50% किराया राशि में छूट दी जानी चाहिए। वही बस कंडक्टर भी इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सम्मान 50% की सुविधा दिया है, वो अपने एमपीओ की और बाहर राज्य की महिलाओं की नहीं दी, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए दी। लेकिन उन्होंने जो मांग करे कभी एमपी में करो या गुजरात करो, तो सभी महिलाओं को, जैसे कि बॉर्डर अपना एमपी बॉर्डर चालू गया, गुजरात बॉर्डर जाओ, वहाँ से अपने को सब महिलाओं को सम्मान से एसटी महामंडल में 50% सहूलत मिलेगी। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की। और जैसे कि अपने महाराष्ट्र में सुविधा दी, एमपी में नहीं दी, लेकिन ये बग साहब ने जो इनपुट किया और या वापस खुलवा दिया एमपी के बस स्टैंड में, इससे सभी महिलाओं को अच्छी सी सुविधा होगी। सर, उनसे हमने ये मांग करी थी कि जो सुविधा है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र की महिलाओं को दे रही है, तो एसटी एमपी में भी आती है, तो हमने ये मांग रखी थी उनसे कि यहाँ पे जो सुविधा हमारे को मिल महाराष्ट्र उसमें मिलेगी। तो उनसे मांग ये हुई थी कि भाई आप कोई भी महिला बैठा है, हिंदुस्तान की किसी भी कोने की महिला बैठा है और वो महाराष्ट्र की गाड़ी में बैठेगी, तो उसको आधा टिकट सर्वसम्मान से दिया जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।